चार बार विधायक और एक बार सांसद रहे अतीक अहमद को अब सुपुर्दे खाक करने की तैयारियां अंतिम चरणों में है। बता दें कि इस कब्रिस्तान में अतीक अहमद को सीधे सीधे पोस्टमार्टम हाउस से ले जाया गया। यहां पर पोस्टमार्टम हाउस से अतीक के शव को परिजनों को न सौंपकर परिजनों को साथ लेते हुए सीधा कब्रिस्तान लाया गया है। और इस पूरे इलाके में जिस रास्ते से ये कब्रिस्तान पूरा शव और एम्बुलेंस आई है, वहां पर करीब करीब भयंकर भीड़ देखने को मिली है। और इस भारी भीड़ में लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कब्रिस्तान पहुंचना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के सुरक्षा इंतजाम इतने पुख्ता है कि वहां पर किसी को भी जाने की अब इजाजत नहीं दी जा रही, चाहे वो कोई आईडी कार्ड हो अथवा ना हो। लेकिन आपको बता दें, इन सबके बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद के साथ उसके दो नाबालिग बेटे भी कब्रिस्तान पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही साथ अशरफ की दो बेटियां भी कब्रिस्तान में मौजूद बताई गई हैं। इस तमाम अपडेट के साथ आपको बता दें, आप इन एम्बुलेंस में जाते हुए बैठे हुए दो बच्चों को देख सकते हैं, जो कि अतीक अहमद के दो बेटे बताए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पोस्टमार्टम हाउस में जब पहले अतीक अहमद को लाया गया पोस्टमार्टम हाउस से, उसके बाद अशरफ को वहां से निकाला गया है। और अशरफ के पोस्टमार्टम हाउस की अगर हम बात करें तो अशरफ को 5 गोलियां मारी गई हैं, ये बताया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। जो अभी शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक गले में गोली लगी है। इसके साथ ही साथ अशरफ को एक पीठ पे, एक कलाई में, एक पेट में और एक कमर में गोलियां लगी हैं। और इसके साथ ही साथ 3 गोलियां शरीर के अंदर और 2 आर पार हो गई हैं। फिलहाल ये अब तक की जानकारी थी, लेकिन यूपी तक आपको पल पल की अपडेट बताता रहेगा। तब तक जुड़े रहिए यूपी तक के साथ।